ग्रेजुएशन के बाद इंटर में पढ़ाई है, ये क्या कह रहे थे? एडमिशन होता है ग्रेजुएशन के बाद इंटर में? लीटर में तेल आटा बिक सकता है, लेकिन इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इंटर में एडमिशन नहीं हो सकता, इस बात का ये देखिए। मुद्दा ये है कि हमें स्वास्थ्य अच्छा मिले, हमें रोजगार मिले, हमें शिक्षा अच्छा मिले, हम रोजगार ले लेंगे। जब इलेक्शन टाइम आ जाता है, विजय मान लिया, देख लीजिए टीवी पे छाया रहता है। अरे भाई अभी मदरसा छाया हुआ, क्या जरूरत है मदरसे की? वो भी तो शिक्षा है ना, वहाँ पे शिक्षा पढ़ाई होती है ना। मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, अब बताओ मैं खाऊंगा क्या यहाँ पर? नहीं भैया, क्वालिफिकेशन का है? क्वालिफिकेशन क्या है? किसकी गलती है? क्वालिफिकेशन नहीं है तो किसकी गलती है? सरकार की गलती है ना, सरकार की गलती है ना। क्वालिफिकेशन नहीं है तो किसकी गलती है? सरकार की गलती है ना। तू गुस्से में? गुस्से में ना है मैडम, सही बता रहे हैं। कोई कह रहा है, कोई बोल रहा है बीएसपी ठीक है, कोई कह रहा है एसपी ठीक है, मैं यादव हूँ ठीक है, लेकिन हमें अभी तलक जैसी यू सरकार आई है ना, अभी तक हमें ऐसी सरकार ना मिली। बीएसपी में दो मिनट में कोई भी हरिजन एक्ट लगा के ना किसी को बंद करवा दे हो, मुझ पे खुद केस चलाओ। हाँ, और सपा सरकार में कोई भी कहीं भी आम आदमी बेचारे काम करने आवे हैं, यहाँ के कोई भी लोकल का आदमी आके कोई पीट जावे किसी, आज हाथ लगा के दी गई हो कोई? हैं बताओ, बुलडोजर तैयार है आज? बुलडोजर तैयार है, दो मिनट से पहले तैयार है बुलडोजर। अगर आज के जमाने में कोई किसी से कुछ कहता है ना, तुरंत कार्रवाई है। और पहले तो साल का बूढ़े हो जाए करे, मर जाए करे, जब भी कार्रवाई ना हो एक रही है। बढ़िया, अच्छा है, कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, लगाम लगा दी अपराध पे, लेकिन मैं खुद यादव हूँ, लेकिन मेरी वोट मोदी को ही जाएगी। क्यों जाएगी, किस वजह से जाएगी? इस वजह से जाएगी, पहली बात तो यू संख्या, बेरोजगारी का रीजन जनसंख्या। करो कह रहे बेरोजगारी का रीजन है जनसंख्या, और लोगों को भी लगता है क्या? आगे बेरोजगारी जो महंगाई है क्यों हो रही है? महंगाई तो सभी देश में चल रहा है, कोई भारत में नया चल रहे है। देश में है तो महंगाई झेल लेंगे, झेल रहा है तो इंडिया भी झेल रहा है। ज्यादा है यहाँ? ज़्यादा नहीं है, सब जगह ही तो उसी तरह महंगाई है, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे पाकिस्तान में ले लो, रूस में ले लो, सब जगह महंगाई है, यहाँ पर तो एक है नहीं। बढ़िया है, सरकार से कुछ शिकायत? सरकार जो भी है ठीक ही है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या क्या कह रहा है? मैम ठेकेदार की गलतियाँ, जो 9600 रुपये दे रहा है ये कंपनी को, आदमी कह रहे हैं कंपनी में 9600 आज भी है। भाई मेहनत करो, हम भी मुरादाबाद से, पहले 3000 में आता, 16500 मिल रहे, मैं तो परेशानी हूँ, मैं तो वर्कर ठीक हूँ। भाई ठेकेदार के पल्ले में आ क्यों रहे हो? ठेकेदार के पल्ले में आ क्यों रहे हो? अपने अपनी डायरेक्ट कंपनी से जुड़ो ना। आप कह रहे कि आप परेशान नहीं है, लेकिन जनता कह रही है कि हम परेशान है, क्या परेशान है? काम करो, मेहनत करो, परेशान क्यों हो? काम वो करो जो अपने आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि किसी ठेकेदार के थ्रू में काम करो। सरकार के लिए क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? मैम सरकार, पहले मैं यहाँ था 2018 में, 12 से यहाँ हूँ, 16 में मेरा फ़ोन छीना, पर्स छीना, आज तक मुझे नहीं मिला, मगर अभी मेरा दो महीने पहले फ़ोन छीना, तुरंत 2 महीने बाद 5-10 दिन में फ़ोन मिल गया मुझे, ये फ़ोन मिल गया मुझे, मेरा सरकार मुरादाबाद यहाँ से जो निकलता था 6 घंटे लगते मुरादाबाद पहुँचने में, 4 घंटे में पहुँचा, 3 घंटे में पहुँचाता हूँ बाइक से, आने में 3 घंटे लगते थे, आज 15 मिनट में पहुँच जाता हूँ। क्या बात है, फील्ड का काम है, पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल महंगाई हो रही है, महंगाई और तो भाई देश के साथ जैसे जैसे महंगाई चलती चली जा रही है वो तो भाई चल देगा, ये थोड़ी नहीं महंगाई चल रही है सबके लिए महंगाई है वो तो। पेट्रोल मैम पहले सस्ता था ठीक है, पहले गांव जाते थे 7 घंटे लगते थे, 4 घंटे में पहुंच जाते, 3 घंटे की बचत है, तो महंगा कहाँ है पेट्रोल? पहले महंगा था, पहले महंगा था, अब नहीं है। रोड की देख ली, टिकट देख ली, रोड की बात, हमें रोड हमें तो पैदल ही चलना है। मैन बात तो हमारी है कि हम प्रदेश आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं इसके लिए कि हमारे बच्चे पल जाएं, हम छोटे छोटे हमारे बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन जब तैयार कर रहे हैं तो उनको कोई रोजगार नहीं। हाँ, पढ़ाई लिखाई पे खर्चा बहुत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को नौकरी नहीं मिल पा रही। नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही कि रोज सरकार बदल रही, रोज नियम बदल रहे हैं। अब क्या हुआ, अब नौकरी का मुद्दा ये रह लिया है कि कोई भी बच्चा अगर जा भी रहा है तो उसको 4 साल के बाद वापस। देशभक्ति करने जा रहे हो, वहाँ पे पैसा कमाना जा रहे हो। एक बात बताओ,
बात करने दीजिए, उनको अपनी बात रखने। अगर मान लो शिक्षा पे दौड़ रहे हो तो क्यों दौड़ रहे हो? कुछ शिक्षा पे दौड़ रहे हो तो IPS और IAS बनो जाके। इसके बाद पकोड़े तलो। पकोड़े तलने कौन कह रहा? पकोड़े तल रहे हैं ये सारे, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। पकोड़े तलने वाले भी आर्मी खुद मोदी जी कहते पकोड़े तल लो। कौन कह रहा? मोदी जी कहते रोजगार है। है नहीं है, पकोड़े तलना रोजगार है। पकोड़े तलने वाले लाखों कमा रहे हैं पकोड़े तलने वाले। मुद्दे पे आते, बेरोजगारी महंगाई को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखो जी, बेरोजगारी भी और महंगाई भी, यू जो ना जनसंख्या नियंत्रण हो जावे, सारी अपने आप काबू में आ जाएगी। सुनो एक मिनट, 2012 में मुँह पे TVS मोटरसाइकिल ली, ठीक है ना। उसके बाद में 2018 में बुलेटी और अब भी अपाची खड्डी पल्ली उड़, तो मैं कैसे कह दूं बेरोजगारी है? और 2012 में, सुनो एक मिनट, 2012 में मुझ पर कोई भी घर को उनायो प्रेशर, और आज सारे प्रेशर है फिर भी मोटरसाइकिल खड़ी है। गाड़ी का एजेंट होगा, गाड़ी मेरी अभी शोरूम में खड़ी है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि TV पे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को तवज्जो ही नहीं मिलती। ये राहुल गांधी ही करवा रहे हैं हरी बाहर सारी बात है। तो राहुल गांधी कह रहा आसमान में प्लॉट कटवा देंगे, राहुल गांधी कह रहा आलू डालो सोना निकल जाएगा, निकल जा सोना। ऐसे तो हो जाता है ना, ऐसे तो होते हैं। पूरा क्लिप सुनना, वो मोदी जी के जुमले थे, ये जुमलेबाजी सरकार है, सिर्फ जुमले फेंकती है। अमित शाह ने खुद कहा है कि ये जुमले हैं, जुमले निकल जाते हैं। अच्छा। और ऐसे जुमले देश के जनता के सामने निकल तो देश बर्बाद। जातिवादी हो रही है, इसमें विश्वास कर रही है जनता। मैडम एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी या अमित शाह जो जब कह रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद इंटर में पढ़ाई है, ये क्या कह रहे थे? एडमिशन होता है ग्रेजुएशन के बाद इंटर में? अमित शाह ने बोला था कि ग्रेजुएशन के बाद इंटर में पढ़ाई है। देखिए, लीटर में तेल आटा बिक सकता है, लेकिन इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इंटर में एडमिशन नहीं हो सकता। इस बात का ये देखिए, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये नहीं भाई साहब, मुद्दा ये है कि हमें स्वास्थ्य अच्छा मिले, हमें रोजगार मिले, हमें शिक्षा अच्छा मिले, हम रोजगार ले लेंगे। ये क्या रखे मुद्दे? ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा, मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा क्षेत्र में काम किया जाए, बेरोजगारी पे काम किया जाए, तमाम मुद्दे वो गिनवा रहे हैं। वो जो सरकारी वाला जो सिस्टम बनाया आयुष्मान योजना वाला जो बनाया, 5 लाख तक का रुपया को खुद सबे मिल लो, मैंने बहुत लोगों ने देखो मिलता हुआ। देखिए, एक बात बता देते हैं, योजनाएं सरकार में बहुत है, UPA सरकार में भी थी और NDA सरकार में भी है, लेकिन योजना को जनता तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, जनता तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि आपको पता है कि कितने परसेंट एजुकेटेड लोग है हिंदुस्तान में जो वहां तक नहीं जा पाता है, जरूरत है उसको वहां तक पहुंचाने की। अगर हम जब तक वहां तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक जो है ना जनता तक वो नहीं जाएगा। और देखिए भ्रष्टाचार, देखिए परेशानी मोदी जी से नहीं है, परेशानी सिस्टम से है। आप अगर एक बात बताइए, अभी जरूरी मुद्दे थे जिस पे काम होने चाहिए और नहीं हो। देखिए मुद्दा जो है जरूरी है, देखिए जरूरी मुद्दा ये है कि सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य सिस्टम सही हो, उसके बाद हमारी जो महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है, महंगाई पर रोक लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए। जो कि कांग्रेस की सरकार में इतनी बड़ी महंगाई नहीं थी, जब उस टाइम में 75 रुपए तेल हो गया था, पेट्रोल हाय हाय मचा रहे थे, जब थोड़ी सी गैस बढ़ गया था तो उसमें हाय हाय मचा रहे थे। अभी देखिए कहाँ चला गया पेट्रोल का रेट। और एक बात बता देते हैं, जब पेट्रोल का, डीजल का, गैस का दाम बढ़ेगा तो आम आदमी के सर पे पड़ेगा और आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और गरीबों का इतनी इनकम नहीं है कि आप उज्ज्वला योजना तो दे दिए है, लेकिन घर पे पड़ा है, कोई उसको जलाने वाला नहीं है, क्योंकि पैसे ही नहीं है लोगों के पास। तो जरूरत है कि लोगों की आय को बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए आप क्या नीति लाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि आप नीति लाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि ये सरकार ना रहे या वो सरकार नहीं रहे, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, जो कि अभी हिंदुस्तान में प्राप्त नहीं है। महंगाई नहीं है, महंगाई वही कहाँ पड़े भाई। सर मैं अपना
सवाल ले लेते हो, सरकार जब बनी थी उससे पहले बीजेपी ने कई वादे किए थे, महंगाई पे अंकुश लगाने की बात भी कही थी, बेरोजगारी खत्म करने की बात भी कही थी। देखिए सबसे बड़ी बात है, महंगाई पे अंकुश लगाने का था, काला धन लाने का था, ये सब कहाँ चला गया मुद्दा? ये सब मुद्दा काला धन कहाँ चला गया? कहा था कि विजय माल्या को मैं लेके आऊंगा, अभी तक नहीं आया यार। जब इलेक्शन टाइम आ जाता है विजय माल्या देख लीजिए टीवी पे छाया रहता है। अरे भाई अभी मदरसा छाया हुआ, क्या जरूरत है मदरसे की? वो भी तो शिक्षा है ना, वहाँ पे शिक्षा पढ़ाई होती है ना, कोई जरूरत नहीं उसको मुद्दा बनाने की, वहाँ पे पढ़ाई होती है ना, शिक्षा। सरकार अहम मुद्दों पर बात नहीं करती। अगर शिक्षा कोई भी हो, अगर चीन में भी आप पढ़ने के लिए चले जाएं तो आप शिक्षा ही करेंगे ना। आरंभ में अगर अरबी पढ़ा जाता है, अगर यहाँ से बच्चे बैठ करके वहाँ पे जा करके अगर नौकरी लेते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? हर मदरसा का एक भी बच्चा मदरसा में पढ़ करके सरकार के पास आकर के नारा नहीं लगाता कि हमें आप नौकरी दीजिए। एक भी मदरसा का परसेंट नहीं आता पढ़ करके कि हमें नारा नौकरी दीजिए, वो खुद से कमाता है, कहाँ से कमाता है? जब तक इसमें बात नहीं जाएगी क्या फायदा? हम आपके पास आ रहे हैं, दो दो इंची बात करो, अच्छे से बात करो। अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन, कि कौन है जो टक्कर दे पाएगा बीजेपी? देखिए अभी नीतीश कुमार का नाम नया नया आ रहा है, उसके बाद कांग्रेस ही है जो कि टक्कर दे सकती है। अगर सारे फ्रंट सारे 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 नेता सारे नेता अगर सारे विपक्ष अगर एक हो जाते हैं तभी जाकर के नीतीश कुमार का चांस बन सकता है। और क्यों ना भाई, अगर इंजीनियर नीतीश कुमार है अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या दिक्कत है? पढ़ा लिखा आदमी प्रधानमंत्री बन जाए तो किसे दिक्कत है? पढ़ा लिखा आदमी भी प्रधानमंत्री बन जाए क्या दिक्कत इस बात से कि सिस्टम चेंज कर दे, क्योंकि पढ़ा लिखा एजुकेटेड है वो, इसमें से दिक्कत है सरकार को। हाँ इसी वजह से दिक्कत है, सही कहा भाई साहब ने, दिक्कत इस वजह से है कि पढ़ा लिखा आदमी जब आ जाएगा तो पढ़े लिखे की बात नहीं करेगा, पढ़ाने की बात नहीं करेगा। आप देख लीजिए सरकार भी तो बात कर रही है, देखिए सबका साथ सबका विकास की बात करती है, योजनाएं लेकर आते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आप रजिस्टर में योजनाएं सिर्फ ऐलान कर देना, प्रचार कर देना, पोस्टर लगा देना, उससे नहीं, आप आंकड़े उठा के देखिए ना कि इस योजना में कितना काम हुआ है, आंकड़े तो उठा के देखिए, सिर्फ पोस्टर लगा देने से कुछ नहीं होता। छोड़िए क्या खिलाएं आप, ये देखिए 8 चीते लेकर आए, गर्व की बात है। रोजगारी के लिए काम करो तो मेरे को बताइए। जी मैं कासगंज जिला से हूँ, 4 दिन हो गए मुझे आए गाँव से, अभी मेरे पास भाई 500 रुपए लेके आया था, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, अब बताओ मैं खाऊंगा क्या यहाँ पर? नहीं भैया क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? किसकी गलती है क्वालिफिकेशन नहीं है तो किसकी गलती है? सरकार की गलती है ना, सरकार की गलती है ना, क्वालिफिकेशन नहीं है तो किसकी गलती है? सरकार की गलती है ना, क्यों नहीं पढ़े? मैं जिस कंपनी में जाता हूँ मुझे काम नहीं मिलता।